कूड़ा कचरा का बनाया पेट्रोल इस तरीके से जल रहा है मित्रों, छत पर देख। और ये जो पेट्रोल मिला है मित्रों, ये प्लास्टिक से मिला है, देखिए किस तरीके से। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं 200 या 300 ग्राम मुश्किल से कचरा डाला गया था और उसके अंदर से ये पेट्रोल बनकर तैयार हुआ है। आठवीं के छात्र ने प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाना शुरू कर दिया है जी। कभी सोचा था कि कूड़ा और कचरा से भी पेट्रोल बनेगा? नहीं, हम नहीं सोचे थे। हमको जब ठोस अवस्था में प्लास्टिक है तो उसको हम तरल अवस्था में फिर पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में ले आए। यानी कचरे से प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल आप बना देंगे? हाँ। इसमें क्या होगा? इससे वेस्ट गैसेज बाहर निकलेंगे जिसे हम घरेलू ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से आग लग गई है, हमने ऊपर किया हुआ था। यानी अगर 10 किलो हम कूड़ा को जलाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल जो है आसानी से निकल जाएगा। बिहार के राज मिस्त्री के लाल ने कमाल कर दिया है मित्रों, और इन्होंने कूड़े और कचरे से पेट्रोल बनाने की एक अनोखी प्रक्रिया खोज निकाली है। हालांकि इससे पहले भी कूड़े से पेट्रोल और डीजल बनाए जा रहे थे, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि ये महज 14 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिए। और यही कारण है कि इन्होंने ये तमाम जो कूड़ा कचरा और प्लास्टिक आपको दिख रहा है इससे ये पेट्रोल और डीजल बनाने लग गए हैं। इनके पिताजी जो है इनका मदद करते हैं इस पेट्रोल और डीजल को बनाने में। अभी हमारे साथ वही इंसान है जो अपना इसी कचरा और प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं विकास? 8 क्लास में। 8 में है। 8वीं के छात्र ने प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाना शुरू कर दिया है जी। कहां से मन में आइडिया आया? आइडिया तो जैसे देखते थे कि सड़क पे बहुत सारे प्लास्टिक फेंके पड़ते हैं, उनका कोई खास उपयोग नहीं है। हाँ। और सरकार है तो प्लास्टिक पे कभी बैन लगा नहीं सकती है, बैन लगा फिर भी प्लास्टिक चल रहा है। हाँ। तो सोचे कि क्यों नहीं इसका कुछ अच्छा यूज किया जाए, कुछ बेहतर यूज किया जाए। हाँ। तो फिर हम रिसर्च के क्या करिए कैसे प्लास्टिक बनता है। हाँ। तो फिर हमें देखने में आया कि हाँ, इस ये जो प्लास्टिक बनता है, जो डीजल पेट्रोल होता है, जो डीजल पेट्रोल बनता है उसका जो अवशेष नीचे का होता है। हाँ। उसमें केमिकल मिला करके ब्लीच करके और ठोस अवस्था में प्लास्टिक बनाया जाता है। हाँ। तो फिर हमने कहा जब ठोस अवस्था में प्लास्टिक बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष तो जरूर होंगे, पेट्रोल और डीजल जरूर होंगे, हाइड्रोकार्बन होता है। हाँ। तो जिसके जो हम सोचे कि जब ठोस अवस्था में प्लास्टिक है तो उसको हम तरल अवस्था में फिर पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में ले आए और फिर उसे प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध पेट्रोल और डीजल बना देंगे। मतलब जो आप पेट्रोल बनाते उससे गाड़ी और मोटरसाइकिल बाइक सब कुछ चल सकती है? चल सकती है, लेकिन अभी प्यूरिफिकेशन करना है। हाँ। यानी कचरे से प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल आप बना देंगे? हाँ। पक्का। इनके पिताजी हाथ बटा रहे हैं। अभी ये जो पेट्रोल बनाने के लिए ये जो प्लास्टिक है इसको एक टीन में भरा जा रहा है, इसको गैस पर जो है गर्माया जाएगा और इसमें से जो वाष्प होगा वो उस डिब्बे में जाएगा, वहां जो डिब्बा है, और उस डिब्बे में जो अवशेष बचेगा वही पेट्रोल और डीजल होगा जी। 1 किलो कचरे में कितना पेट्रोल और डीजल निकल सकता है? 100 ग्राम पेट्रोल आराम से निकल सकता है। और 1 किलो कचरा कितने का मिलेगा? वही 5-10 रुपए के हिसाब से। 5 रुपए का मान लीजिए, 5 रुपए का 1 किलो कचरा निकलेगा मतलब, और इसके बाद 10 रुपए का पेट्रोल आपका आराम से निकल जाएगा पक्का? हाँ। अच्छा, ये बनना शुरू हो गया है क्या? हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया। कैसे पता लगेगा? यहाँ से इसमें से देखिए। अच्छा, यहाँ भाप जमना शुरू हो गई है। हाँ, यहाँ से निकल के। हाँ, ये जो है बड़ा मुलायम हो गया और इसमें जो है पानी के छींटे जैसे दिख रहे हैं, इसी में से जो है भाप जा रही है और भाप यहाँ पर इस डिब्बे में जो है एकत्रित हो रही है। इसमें क्या होगा? इससे वेस्ट गैसेज बाहर निकलेंगे जिसे हम घरेलू ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसमें आग भी लगाया जा सकता है क्या? लगाया जा सकता है। अच्छा, इसमें माचिस लगाएंगे तो क्या होगा? जलेगा। अच्छा, जलने लग जाएगा? जलने लग जाएगा। जो है ये पक्का? पक्का। एक बार लगाइए, देखिए किस तरीके से आग लग गई है, हमने ऊपर किया हुआ था इसी वजह से, इसको बंद कर दीजिए। और ये कोई प्लास्टिक नहीं जल रही थी मित्रों, बल्कि इसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल था, जो पेट्रोल का वेस्ट गैस थी, वो जल रही थी। और इसीलिए मैंने कहा था कि पहले प्लास्टिक से पेट्रोल और पेट्रोल से जो है ईंधन बनाया जा सकता है। अब इसमें कितनी देर में पेट्रोल आ जाएगा, भरना शुरू कितनी देर में होगा? 5 मिनट में अब कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में। यानी अगर 10 किलो हम कूड़ा को जलाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल जो है आसानी से निकल जाएगा। पक्का? पक्का। यानी 5 रुपए किलो अगर हम कूड़ा खरीदते हैं तो 10 बचे
50 रुपए का कूड़ा होगा, और बिहार के भाव से अगर हम बात करें तो 107 रुपए का पेट्रोल जो है बिहार में बिक जाएगा, यानी सीधा सीधा 57 रुपए का फायदा हो जाएगा 50 रुपए का। अगर 20 रुपए अन्य खर्चा निकाल देते हैं गैस का, तो 30 रुपए एक लीटर में फायदा हो जाएगा। एक लीटर में कितना फायदा? 30 रुपए सब कुछ खर्चा काटने के बाद। अगर इस चीज को बड़े पैमाने पर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है, और वैसे भी मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, पूरी इसकी इंडस्ट्री बैठा दी गई है। उन लोगों का कहना था कि जो पेट्रोल पंप पर, इसके बाद बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जो वेस्ट कूड़े हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक है, पानी के जो बोटल्स हैं, उनको हम लोग टेंडर के माध्यम से लेकर और बड़ा पेट्रोल बनाने का प्रयास जो है, बड़ी कंपनी बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बाकी अभी इस डिब्बे के अंदर पेट्रोल भी आएगा, उसको भी हम लोग दिखाने का काम जो है वो करेंगे। सो फाइनली मित्रों, लंबे इंतजार के बाद, 10-15 मिनट के इंतजार के बाद जो है पेट्रोल अब बनकर तैयार हो गया है। लगभग कितना कूड़ा डाले थे उसमें, 100 ग्राम या 200 ग्राम? 200-300 ग्राम आपने कितना जो है प्लास्टिक डाला था। और अब पेट्रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और वो पेट्रोल कहाँ है? इस डिब्बे में है, और हम उसी डिब्बे को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिस डिब्बे के अंदर पेट्रोल है। और ये पेट्रोल आया कहाँ से? कचड़े से क्या आया? पेट्रोल। और पेट्रोल कहाँ गया? डिब्बे में। अब डिब्बा कौन दिखाएगा? हम नहीं, आप दिखाइएगा। अब देखिए, 200 या 300 ग्राम मुश्किल से कचरा डाला गया था, और उसके अंदर से ये पेट्रोल बनकर तैयार हुआ है। ये पेट्रोल प्यूरीफाई किया जाएगा अभी। हाँ। और प्यूरीफाई करके जो है इसे शुद्ध रूप में लाया जाएगा और बाइक में यूज किया जाएगा। अच्छा, इस पेट्रोल से बाइक, कार और डीजल जो है सब गाड़ियां चल सकती हैं? चल सकती हैं। पक्का? कंफर्म। ये इतना जो है आपने ही पेट्रोल बनाया? जी। देखिए मित्रों, ये एक डेमो है, लेकिन अगर इसका बड़े पैमाने पर काम किया जाए, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री डेवलप की जाए, तो शायद से ये कहीं ना कहीं और बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया जा सकता है। और कूड़ा और कचरा और प्लास्टिक से जो है किस प्रकार से पेट्रोल बनाया गया है, उसी को दिखा रहा हूं। कितनी देर में बनाकर तैयार किया आपने? 10-15 मिनट में। अगर बड़ा इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो विकास क्या होगा? हमारा देश बहुत ही सुधर जाएगा और देश तरक्की करके आगे रहेगा। हाँ। चाचा, आपको कैसा लग रहा कि आपके बेटे ने कूड़ा और कचरा से पेट्रोल बना दिया? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी सोचा था कि कूड़ा और कचरा से भी पेट्रोल बनेगा? नहीं, हम नहीं सोचे। नहीं सोचे थे? हमको क्या पता था इस बारे में। लेकिन बेटे ने कारनामा कर दिया। हाँ, कर दिखाया। इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी, और बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। और 9वीं में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ने वाले विकास ने कूड़ा और कचरा से पेट्रोल बना दिया है मित्रों। और यही कारण है कि ये पेट्रोल अब पूरी तरीके से जो है शुद्ध किया जाएगा, तो इसको नाप कर जो है कहीं ना कहीं गाड़ी और सब कुछ चलाया जा सकता है। अच्छा, इसका इंडस्ट्री लगाइएगा क्या? अगर वो स्थिति आ जाएगी तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऑफर नहीं आता कहीं से का ये बड़ा सा कंपनी लगा देते हैं कहीं से? ऑफर तो एक बार आया था लेकिन नहीं गए। अच्छा, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो रहा है विकास, तो ये काम कर सकता है क्या आने वाले समय में? जरूर कर सकता है, लेकिन जो है सरकारें तो प्लास्टिक भी बैन कर रही है, तो प्लास्टिक मान लीजिए बंद होगा तब कैसे बनाइएगा? प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो प्लास्टिक लेकिन प्लास्टिक बैन हो तो ना। हाँ, प्लास्टिक तो सरकार बैन कर रही है लेकिन बैन तो हो नहीं पा रहा है। हाँ, हर जगह यूज हो रहा है प्लास्टिक का। हाँ, अच्छा, ये जो है बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। बस ये समझिए सर, 8वीं में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल के छात्र हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा का परिचय इस कदर दिखाए हैं कि छत पर इन्होंने कूड़ा और कचरा से पेट्रोल बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो रियल तरीके से नाप कर रख दी है। अभी तक आपने सुना होगा कि जो है सऊदी अरब, दुबई, इसके बाद जो है रसिया, यूक्रेन में जो है पेट्रोल और डीजल मिलता है। सऊदी अरब में पेट्रोल मिलता, वही हमको कच्चा तेल के रूप में पेट्रोल देता है। लेकिन अब आज ये भी सुन लीजिए कि गांव के घर पर की छत पर भी पेट्रोल बनाया जा सकता है, और कोई और नहीं बनाएगा, वो बिहार के लाल बनाएंगे। और ये कैसे बनेगा ये आप देख सकते हैं। बाकी चेक करके देखा जाएगा। कैसे चेक कीजिएगा? चेक कर जला करके देखा जाएगा। चेक करिए एक बार। चेक कीजिए, देखते हैं कैसे मतलब। हाँ, चेक करवा दीजिए, सही कह रहे हैं, जरूरी है चेक करना। तो किस पे रखिएगा इसको? यहाँ रखते हैं। जलाया जाएगा फर्श पे भी? जल जाएगा फर्श पे भी? जल जाएगा, जल जाएगा, पेट्रोलियम है, जल जाएगा। अच्छा, जलाइए एक बार। माचिस दीजिए इनको।
पेट्रोल है तो कहीं भी जल सकता है, जरूरी नहीं कि उसको लकड़ी या किसी गत्ते या कागज के ऊपर रखा जाए। और ये जो पेट्रोल मिला है मित्रों, ये प्लास्टिक से मिला है, देखिए किस तरीके से। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं भाई कितने तेज लगा है, वाह गजब, मतलब सच में ये पेट्रोल है। प्लास्टिक जो है पेट्रोल का रूप ले लिया है और कूड़ा कचरा का बनाया पेट्रोल इस तरीके से जल रहा है मित्रों, छत पर देख सकते हैं। ये कोई जादू और कोई आविष्कार, कोई टोना नहीं बल्कि आविष्कार है, आविष्कार भी नहीं कहेंगे इसे, कहेंगे एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट बिहार के कैमूर के लाल ने किया है। फिर से जल गया है? हाँ जल गया, मतलब पेट्रोल कारगर है, कारगर है, पेट्रोल में दम है, दम है। और ये पेट्रोल आया कहाँ से? कचड़े से, कचड़े से पेट्रोल आ गया। हाँ। जिस कचड़े को लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, जिस कचड़े को लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, उससे क्या बन गया? पेट्रोल, पेट्रोल बन गया। चलिए आपका उज्जवल भविष्य, हमें पता है बिहार के लाल हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। यूट्यूब चैनल कर। अच्छा आपका यूट्यूब चैनल भी है, बताइए जिक्र कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, हालांकि अभी कल परसों में नया बनाए हैं, जिसका नाम मिस्टर विकास इन्वेंशन है। मिस्टर विकास इन्वेंशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी अभी उस पे एक वीडियो अपलोड किए हैं और उस पे हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ। जैसा पब्लिक का आएगा कमेंट, जैसा लोगों का कमेंट आएगा उस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी आपका उज्जवल भविष्य हो, आप खूब आगे बढ़े, ऐसे तमाम इनोवेशन और तमाम आविष्कार ऐसे करते रहे, ऐसी तमाम शुभकामना आपको। धन्यवाद सर। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।